नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बांग्लादेश के तटीय हिस्सों तक पहुंचा रहे चक्रवर्ती तूफान का कहर, 7 लोगों की मौत और बिजली सप्लाई ठप। विदेश में नौकरी के झांसे में फंसे भारतीयों के लिए फिर संकटमोचक बनी मोदी सरकार, 13 कामगारों को लाओस से निकाला सुरक्षित। अंतरिक्ष में अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है उत्तर कोरिया, प्रक्षेपण से पहले जापान को दी जानकारी। पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच नासा के वैज्ञानिकों ने खोजी एक और दिलचस्प दुनिया, जाने क्या वहां भी रहते हैं इंसान। तेल अवीव में हमास के हमले के बाद गफा में इजरायली बमबारी से कोहराम, मारे गए 35 फिलिस्तीनी, कई घायल। अमरीका में बवंजर से तबाही का मंजर, 11 लोगों की मौत, ईंधन स्टेशन भी हुआ नष्ट। मोदी सरकार के विकास पुरुष आज मना रहे 67वां जन्मदिन, बदल डाली देश में सड़कों की दशा। सपा ने की मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यह असंवैधानिक है। बंगाल में चक्रवर्ती तूफान रिमल ने मचाया हड़कंप। दिल्ली की कोर्ट में क्यों रोने लगी स्वाति मलिवाल, फिर चुप होकर कार्यवाही भी सुनी। कार से उतरते ही रईस राजे का नया वीडियो आया सामने, पुणे पोष कान का है आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद साधु बन जाएंगे सांसद रवि किशन, भाजपा नेता के बयान पर अब हो रही चर्चा। पारा के अल हयात होटल में लगी आग, लोगों ने छत के रास्ते से कूद कर बचाई जान। अंतिम संस्कार के पैसे न होने पर पत्नी के शव को बोरे में भरकर फेंक आया पति, मचा हड़कंप। स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणाम बागी उम्मीदवारों से प्रभावित नहीं होंगे, विजेंद्र ने कहा। कर्नाटक के मंड्या में शिमशा नदी के तट पर हाथियों का झुंड देखा गया। बरसात से पहले दक्षिण कन्नड़ के 8 समुद्र तटों पर होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। एसएसएलसी परीक्षा 1 छात्र अभिभावकों ने दिए गए अंकों में विसंगतियों की शिकायत की। कर्नाटक के विजयपुरा में प्रेमी के परिजनों द्वारा कथित तौर पर आग लगाने के बाद युवक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। करण जौहर ने धड़क 2 का किया राग, स्टारकास्ट और रिलीज डेट से उठा पर्दा। मेहंदी वाला घर के अपने खतरनाक प्लान में सफल हो जाएंगे अमित और सुप्रभा। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्टर से बाहर, वर्ल्ड कप की टीम में नहीं मिली जगह, अब आईपीएल जीत दिया सबको जवाब। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों में। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।